साफ पानी हर सूरत बचाएंगे, जिस सर्विस स्टेशन में रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब नहीं होगा वो सील होगा। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म, जस्टिस अकबर कुरैशी ने 1 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। आपको ताज़ा तरीन तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं इस वक्त। साफ पानी हर सूरत बचाएंगे, जिस सर्विस स्टेशन में रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब नहीं होगा उसको सील कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है, जस्टिस अकबर कुरैशी ने 1 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी को तलब भी कर लिया है। जी हाँ, अहम केस की समाप्त हुई है। साफ पानी को हर सूरत बचाएंगे और जिस सर्विस स्टेशन पर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब नहीं होगा वो सील कर दिया जाएगा। अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, ये केस भी बड़ा है और फैसला भी बड़ा किया गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने सर्विस स्टेशन, उन तमाम सर्विस स्टेशन को सील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं जिन्होंने रिसाइकलिंग, पानी की रिसाइकलिंग का सिस्टम नस्ब नहीं किया। अदालत की जानिब से तमाम सर्विस स्टेशन मालकान को 2 माह की मोहलत दी गई थी 1 अक्टूबर को कि तमाम सर्विस स्टेशन मालकान रिसाइकलिंग सिस्टम नष्ट करें और ताकि साफ पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। आज 2 मुकदमा होने पर अदालत ने और एमडी वासा को और जिली हुकूमत को ये अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 1 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने ये रिमार्क दी है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब आइंदा समाज पर अमल रिपोर्ट भी पेश करें।